बंदर है। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विक्टोरिया वाईटी में। तो फाइनली दोस्तों अभी हम खड़े हुए हैं श्योपुर ज़िले के अंदर, जहाँ पे दोस्तों आपको बता दें इधर है श्योपुर ज़िला और इधर है दोस्तों बरदा बुजुर्ग गांव, जो कि दोस्तों आप ये देख सकते हो हम खड़े हुए हैं अभी नेरोगेट ट्रेन की रेलवे पटरियों पर। जो आप देख सकते हो इस पटरियों को उखाड़ के दोस्तों यहाँ पर बनेगी 4 लाइन। आपको बता दें दोस्तों ये पटरियाँ उखाड़ कर यहाँ पर 4 लाइन निकलेगी, जो कि दोस्तों 40 करोड़ की लागत से बनेगी ये वाली 4 लेन। आपको बता दें दोस्तों ये रेलवे पट्टी से तकरीबन 7.5 मीटर तक बनेगी यहाँ पे 4 लाइन, तो यहाँ से जुड़ेगी डायरेक्ट बरदा बुजुर्ग गांव तक, जहाँ पे दोस्तों बनेगा ग्वालियर टू श्योपुर बोर्डगेज रेलवे लाइन का रेलवे स्टेशन। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों दिखाते हैं और भी आपको बैक कैमरे से। तो आप ये देख सकते हो अभी इस नेरोगेट ट्रेन की पटरियों पर अधिकतर ये कचरा खड़ा हो गया है, क्योंकि दोस्तों अब हो चुकी है बरसात के टाइम। और आप ये देख सकते हो नेरोगेट ट्रेन की इन पटरियों को अभी फ़िलहाल उखाड़ा नहीं गया है, लेकिन बहुत जल्द दोस्तों इन पटरियों को उखाड़ के यहाँ पे 4 लाइन निकाली जाएगी, जो कि दोस्तों श्योपुर ज़िले को डायरेक्ट बरदा बुजुर्ग रेलवे स्टेशन से जोड़ा जाएगा। आप ये देख सकते हो दोस्तों चलते हैं श्योपुर ज़िले की तरफ, ये निकल रही है यहाँ पर नेरोगेट ट्रेन की रेलवे लाइन। अभी फ़िलहाल देख सकते हो ये स्थिति यहाँ की, सड़क कीचड़ों में से होके गुजरना पड़ता है, लेकिन दोस्तों बहुत जल्द यहाँ पे निकाली जाएगी 4 लेन, जिससे दोस्तों डायरेक्ट सिटी के आदमी जो भी रेलवे स्टेशन की तरफ जाएंगे बरदा बुजुर्ग गांव में, तो उनको परेशानी नहीं होगी और सीधी जुड़ेगी दोस्तों बरदा बुजुर्ग से। 40 करोड़ की लागत से बनेगी, देख सकते हो ये नेरोगेट ट्रेन की रेलवे पटरियों की स्थिति अभी फ़िलहाल। और इसके जस्ट बगल में बने हुए हैं ये वाले मकान जो आप ये देख सकते हो, जबकि दोस्तों यहाँ से इस पटरी से तकरीबन 7.5 मीटर तक फैलेगी दोनों साइडों में। देख सकते हो अभी आप देख भी नहीं पा रहे हो कि नेरोगेज रेलवे लाइन की पटरी कहाँ पे है, जबकि आपको बता दें ये देख सकते हो आप, जिसके ऊपर ढक गई है बिल्कुल भी। इस जगह पर बनेगी दोस्तों 4 लेन। अभी फ़िलहाल आपको बता दें कि ग्वालियर टू श्योपुर बोर्डगेज रेलवे लाइन का रेलवे स्टेशन का कार्य भी शुरू नहीं हुआ है बरदा बुजुर्ग में, और अभी आप ये देख सकते हो पटरियाँ बिल्कुल डली हुई हैं, उखाड़ी भी नहीं गई है। जैसे ही उखड़ेगी दोस्तों तो हम आपको अपडेट दिखा देंगे। आपको दिखाने के लिए दोस्तों हम काफ़ी मुश्किल से आए हैं, देखिए यहाँ पे निकलने के लिए भी रास्ता नहीं है जबकि, लेकिन दोस्तों आपको अपडेट दिखाने के लिए आए हैं कि देख सकते हो आप नेरोगेट ट्रेन की रेलवे पटरियाँ, ये दोस्तों श्योपुर सिटी। ये आ गई है दोस्तों सामने बाईपास फाटक श्योपुर ज़िले की, जो कि दोस्तों नेरोगेट ट्रेन की हुआ करती थी। तो दोस्तों यहाँ से तकरीबन है 1-2 किलोमीटर, ये देखिए दोस्तों ये फाटक बाईपास की पहले। अब चलते हैं दोस्तों स्टेशन की तरफ बाईपास से, यहाँ से तकरीबन है दोस्तों 1 किलोमीटर की दूरी पे रेलवे स्टेशन नेरोगेट ट्रेन का। ये देखिए दोस्तों मकान लगे हुए हैं जस्ट, और फिलहाल अभी यहाँ पे सड़क नहीं है, लेकिन दोस्तों जो गिट्टियाँ बची हुई थी उसके ऊपर होके निकल रहे हैं।
ये देखिए दोस्तों कीचड़, जबकि दोस्तों अभी तो एक दो बार ही बारिश आई है। दोस्तों श्योपुर जिले का नेहरू गेट ट्रेन का रेलवे स्टेशन,